हेलो गाइस, आपका स्वागत है घर की रसोई बाय रेखा में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं यूपी बिहार स्टाइल में फारे बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए जो सामग्री चाहिए मैंने ले लिया है। एक बाउल में गेहूं का आटा है, 2 चम्मच तेल है सरसों का, और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। हींग है, ये हल्का है थोड़ा, तो मैंने आधा चम्मच हींग लिया है, और हल्दी है आधा चम्मच, जीरा 2 चम्मच लिया है, हरी मिर्च है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसी बाउल से मैंने 3 बाउल चावल का आटा लिया है, और ये दाल है, 2 बाउल दाल मैंने भिगोया था। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हरी मिर्च को तोड़कर डाल देंगे। मैं 7 हरी मिर्च को डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार डालिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हो आप। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी डाल देंगे, और ये जीरा है 2 चम्मच, इसे भी डाल देंगे, और नमक लेंगे 1/2 चम्मच, स्वाद के अनुसार ही लेंगे नमक को, और ये हींग है 1/2 चम्मच डाल देंगे। हींग हल्का है इसलिए मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, नहीं तो अगर अच्छा हींग हो तो आप थोड़ा सा ही डालिएगा, हींग बहुत ज़रूरी है डालना। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा पानी डालेंगे 4 चम्मच, और पहले इसे पीस लेंगे। चलिए पीस, देखिए मसाला पीसकर मैंने ले लिया है, और उसी जार में अब दाल को डालेंगे। दाल को 2 बार में पीसेंगे। चलिए पीस लेते हैं। दाल को पीसकर मैंने ले लिया है, और इसे बाउल में निकाल लेंगे। इसी जार में फिर मैं बचे हुए दाल को पीस लूँगी, और पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल। दाल को मैंने पीस कर ले लिया है, और अब मिला देंगे जिससे मसाला पूरे दाल में मिल जाए, और थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे, आप देख सकते हैं दरदरा ही पीसा जाता है, जिससे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। दाल को अलग रखते हैं। और अब आटा लगाएंगे। ये चावल का आटा है, ये 3 बाउल आटा है, और 1 बाउल ये गेहूं का आटा है, इसी में मिला देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें, थोड़ा 1/2 चम्मच है, 1/2 चम्मच मैंने उसमें डाला है, तो उसी के अनुसार डालना है नमक, जिससे ज़्यादा ना हो जाए, और मिला देंगे। आप केवल चावल के आटे का भी बना सकते हो, लेकिन उसे बाइंडिंग नहीं सही आती है, और गेहूं का आटा मिला देने से अच्छा बनेगा, टेस्टी भी होगा। और थोड़ा थोड़ा आटा में पानी डालेंगे, हाथ से ही आटे को लगाएंगे। आटा फरे के लिए तैयार हो गया है, और ये जैसे रोटी का आटा बनाते हैं उसे सॉफ्ट बनेगा, मुलायम। देखिए भगोने को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, और गैस को ऑन करते हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे इसमें, और गैस सरसों का तेल है 2 चम्मच डाल दिया है, इसमें चम्मच को डाल देंगे इस तरह से,
और ढक देते हैं पानी बॉयल होने तक। 5 मिनट हो गया है। ये बनाते हैं फारे को। नींबू से थोड़ा बड़ा लोई लिया है मैंने, और हाथ में तेल लगाएंगे। पहले हाथ में तेल लगा लेंगे। फिर इस तरह से रोटी की तरह से इसको बना लेंगे। और इसी में ये जो मैंने दाल का मसाला बनाया है भर देंगे, इस तरह से दबा देंगे। हाथ में तेल लगाने से चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा बनेगा, चिकना चिकना। इस तरह से इसी तरह मैं सभी फारे को बना लूंगी। देखिए सारे फारों को मैंने बना लिया है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, 2 चुटकी। आप कहेंगे इसमें हींग पानी और नमक की क्या ज़रूरत है, तो मैं बता देती हूँ। इसलिए पानी में हींग डाल रहे हैं कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी फारे में आएगी, और तेल इसलिए डाला है कि फारा एक दूसरे में चिपके ना, नमक से स्वाद बढ़ जाएगा। चलिए अब फारे को डालते हैं, एक एक करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे। इस तरह से एक एक करके सभी फारों को इस तरह से डाल देंगे। और ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। धीरे धीरे फारा 20 मिनट तक पकेगा। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। देखिए पूरे 20 मिनट हो गए हैं बनते हुए फारे को। अब मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ। एक टूथपिक लेंगे और इससे इस तरह से देखेंगे, यदि कुछ लगकर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हो गया है। देखिए बिल्कुल साफ है। अब फारा पक चुका है। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्राई करेंगे। फारा हमारा ठंडा हो चुका है, अब निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल चिपका नहीं है, तेल डालने की वजह से नहीं चिपका है, नहीं तो चिपक जाता। अब फारे को काट लेंगे। इस तरह से
इसी तरह सारे फारे को काट लेंगे। ये गैस पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और गैस भी ऑन है, तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें दो चुटकी हींग डालेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे और ये फरा तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। दूसरे राउंड में भी इसी तरह से तल लेंगे। अब पलट देंगे। चलाते हुए इसी तरह पलटेंगे। ये बहुत टेस्टी फारा बनता है, एक बार ज़रूर आप बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे बने आपके फारे। हमारे घर तो सभी लोग पसंद करते हैं, आप भी इस तरह से बनाएंगे तो सभी लोग पसंद करेंगे और खूब अच्छे से खाएंगे। इसको इसी तरह चला चला कर उलट पलट कर सेक लेंगे अच्छे से। ये भी तल चुका है, अब निकाल लेंगे। अब इस पर थोड़ा सा चाट मसाला बुरक देंगे। जी फारा बनकर तैयार है। मैंने इसे हरी धनिया की चटनी के साथ और टोमेटो केचप के साथ में सर्व किया है। आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।